में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। पटना में लवकुश एकता मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर पूर्व कुर्मी चेतना महारैली के महानायक और लवकुश एकता मंच के संयोजक और पूर्व विधायक सतीश कुमार ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कुर्मी चेतना महारैली को सफल उन्होंने पटना के गांधी मैदान से 12 साल पहले बनाया था। जरा सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे कुछ पुराने साथी और महत्वपूर्ण सूबे बिहार के जाने माने शोषित पीड़ित वंचित समाज के रहनुमा यहाँ लोग बैठे हुए हैं। सबका परिचय मैं करवाऊ, उसके कवर लवकुश सबसे पिछड़ा मंच का पृष्ठभूमि में बताना चाहता हूं। आप तमाम लोगों को जानकारी है कि आज से 26 वर्ष पहले बिहार के अंदर परिवर्तनकारी शक्तियों के चाहत के अनुरूप परिवर्तन का गवाह है गांधी मैदान में ऐतिहासिक पूरी चेतना रैली हुआ था। तदुपरांत हमारे नेतृत्व में लवकुश एकता मंच का गठन हुआ, बेटी रोटी का रिश्ता काम हुआ, एक आधार बना और बिहार के सत्ता में परिवर्तन हुआ। एक गए दूसरे आए, आने के बाद लोगों को लगा कि बिहार का तस्वीर बदलेगा, तकदीर बदलेगा, खेतों में पानी होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, कल कारखाना लगेगा, नारी सशक्तिकरण होगा, शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, स्वास्थ्य सेवा मजबूत होगा। में इसकी ताकत देखेंगे और आपको मैं बता दूं कि अति पिछड़ा को छोड़कर ना आज कोई सरकार बनी है आज तक और ना सरकार बनने वाली है। इसलिए हम अपने तहे दिल से सतीश लोगों को धन्यवाद देते हैं कि इनका विचार इस दिशा में जा रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि एक परिवर्तन का युग आएगा और ये क्रांति भी कर रहा है। तो फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए स्ट्रीट बस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।